नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल अपन ने इसी पाठ का रासायनिक अभिक्रिया है उत्प्रेरक, इस पाठ का एक टॉपिक लिया था भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन। आज अपन इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणु सूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो इसे अपन लिखते हैं कोयला जो है उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यह समीकरण के रूप में जब अपन प्रतीकों और अणु सूत्रों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो कार्बन को C के द्वारा, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन ने बात की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को, तो ये पदार्थ हो गए, वो अणु सूत्र और प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसके कुछ चरण हैं, उन चरणों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से चरण हैं, किस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये एक रासायनिक समीकरण है, तो सबसे पहला जो चरण का जो है वो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मैंने ये लिखा कि C प्लस O2, ये दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो इसे बाईं तरफ लिखेंगे और इस अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले उत्पादों को तीर का निशान लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अपन इसने लिखा CO2, तो ये पहला चरण है, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बाईं ओर लिखा जाता है और अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है और उनके मध्य इस प्रकार तीर का निशान लगाया जाता है। दूसरा बात, यदि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और क्रिया के द्वारा उपरांत बनने वाले उत्पादों की यदि संख्या दो या दो से अधिक है तो उनके मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ थे, एक कोयला था, कार्बन था और दूसरा ऑक्सीजन गैस थी, तो अपन ने इन दोनों पदार्थों के मध्य प्लस का निशान लगाया है। तो ये दूसरा है, और बनने वाला यदि उत्पाद दो एक से अधिक है तो उनके मध्य भी प्लस का निशान लगाया जाता है। तो दो से अधिक, दो या अधिक पदार्थों के मध्य प्लस का निशान। अब आती है तीसरी बात, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण बनता है उसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ध्यान रखा जाता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। उसमें भाग लेने वाले जितने भी अणु होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनकी अणुओं की संख्या, उत्पाद के बनने वाले जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद हैं, उनकी संख्या हमेशा बराबर रहती है। तो अपन इसको एक संतुलित भी करते हैं कि जितने पदार्थ भाग लेते हैं उनकी अणुओं की संख्या, उत्पाद में बनने वाले पदार्थों की अणुओं की संख्या हमेशा बराबर रहती है।
तो अपन एक ये सूत्र अपने लिया, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोपेन जो है उसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जो उत्पाद बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन H2O जल बनता है। तो आप लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो कार्बन है, आप कार्बन देख रहे हैं, इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या 3 है, लेकिन उत्पाद के अंदर परमाणु कार्बन का जो है वो केवल 1 है। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो अपन इसको विज्ञान के अंदर एक अनुमान विधि जिसके अंदर अणुओं की संख्या को कम या बढ़ाकर उस अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, इसे अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, उसके द्वारा जो है उसे संतुलित किया जाता है। तो अपन इसे संतुलित करते हैं, तो अपन देखते हैं, तो इसके अंदर अपन संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो पदार्थों को छोड़कर जो अन्य पदार्थ हैं उन्हें पहले संतुलित किया जाएगा। तो अपन देख रहे हैं इसमें जैसे कार्बन है एक अतिरिक्त, तो अपन कार्बन को संतुलित करेंगे तो यहाँ कार्बन के 3 परमाणु हैं, तो अपन यहाँ पर इसके आगे 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन के 3 परमाणु ने भाग लिया तो उत्पाद में भी कार्बन के 3 परमाणु होंगे। तो जैसे अपन ने इसको 3 कर दिया, उसके बाद में अपन ने देखा कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके 8 परमाणुओं ने भाग लिया है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 हैं, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 × 8 जो है हाइड्रोजन भी अपनी संख्या के अनुसार संतुलित हो जाएगा। अब बचे हुए अपन इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन अब कितने हैं, तो आप देख रहे हैं 3 × 6, 6 और 4, 10। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी संख्या 10 है, तो अपन यहाँ पर भी संतुलित करते हुए इसे 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारी ये जो अभिक्रिया है, ये समीकरण है, वो संतुलित हो जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अपन अनुमान विधि के द्वारा इसे संतुलित करेंगे। तो ये द्रव्यमान का जो है हमें ध्यान रखना है। तो ये था तीसरा पॉइंट इस रासायनिक समीकरण के जो चरण है उसमें द्रव्यमान का ध्यान में रखना हमें जो है अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, समीकरण जो है वो संतुलित होना चाहिए।